नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मा लाइव। आज हमारे साथ ज्योत्सना जी है जो कि एक टैरो रीडर है और रेकी हीलर भी है। तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में हमेशा रहते हैं कि रेकी क्या होती है, टैरो कार्ड कैसे काम करे, तो हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेकी होती क्या है। नमस्कार ज्योत्सना। नमस्कार जी। बहुत सारे लोगों के मन में एक्साइटमेंट रहती है, कुछ ये भी रहता है कि आखिर रेकी कैसे होती है, तो आप रेकी के बारे में बताइए, रेकी क्या होती है। रेकी एक्चुअल क्या है? रेकी यूनिवर्सल से जुड़ी है। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है वो रेकी से चल रहा है। आपने देखा होगा पक्षी सबसे जल्दी क्यों उठते हैं, जबकि इंसान नहीं उठते, बस सबसे जल्दी सो भी जाते हैं। तो वो जो ब्रह्मांड चल रहा है वो सिर्फ रेकी से चल रहा है। रे मतलब यूनिवर्स। अच्छा। और की मतलब पूरा वातावरण। अच्छा मैम, आप मैंने देखा आप जो आपके कार्ड उसमें आप ऐसे टक करती है, तो उसका क्या होता है? वो मैं नॉक करती हूँ, मैं जगाती हूँ अपने टैरो कार्ड को कि मेरे क्लाइंट आए हैं, उनका क्वेश्चन ले लो। अच्छा। क्योंकि अभी आप आए फिर कोई और आएगा, तो क्वेश्चन उनका खत्म करके मैं नॉक करती हूँ कि ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ओके। ये इसे नॉक करती हूँ और फिर सारे कार्ड्स को मैं बताती हूँ कि आ गए हैं, महानाम आ गए हैं, इनका क्वेश्चन ले लो। जी, तो मेरा एक और सवाल था थ्रोट चक्रा को लेकर। तो थ्रोट चक्रा क्या होता है, वो डिसबैलेंस होने पर क्या उसका असर क्या होता है? बेसिकली असर ये होता है कि आप नेगेटिव बातें करने लग जाओगे। अच्छा। आपके जैसे चक्रास बैलेंस में नहीं है तो आप क्या करोगे, लोग की बुराई करोगे, गलत बोलोगे, गाली गलौज करोगे। और जब आपका बैलेंस में आएगा तो आप अच्छी बातें करोगे, भगवान का नाम लोगे, सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलोगे। वैसे ही आपका जैसे हमारा थर्ड आई चक्रास है, हम टेंशन ले लेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाओगे, नेगेटिव सोचोगे। अगर बैलेंस में रहेगा तो अच्छी अच्छी बातें सोचोगे। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है अपनी चक्रास को। तो आप भी धर्मा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर वीक हर हफ्ते जो है ज्योत्सना जी हमसे जुड़ेगी लाइव सेशन में। आपका जो भी सवाल होगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दर्ज कराइएगा। अगली वीक में आपके साथ जरूर मुलाकात होगी।